अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में नवीन कानून संहिता 2023 के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें बताया गया कि अंग्रेजों के समय बनाए गए तीन कानून किसी भी तरह से विक्टिम को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं। यही वजह रही कि संसद में भारतीय न्याय संहिता कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सहित भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून को पारित किया गया। ये तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील की जानी है, उनके संबंध में समाज के सभी वर्गों में अवेयरनेस है, जागरूकता है, क्योंकि ये तीनों कानून समाज के पूरी सोसाइटी से कंसर्न है। इसी विषय वस्तु को लेकर आज यहाँ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहाँ पर विभिन्न एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और हमारा उद्देश्य है कि बहुत ही सरल शब्दों में आम पब्लिक को, आम जनता को इन कानूनों के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में, उनके अधिकारों के बारे में। संसद के द्वारा नए कानून को पारित किया गया है, उसको पारित करने के लिए मुख्य कारण ये था कि पूर्व में जो कानून थे वो औपनिवेशिक कानून हुआ करते थे, अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून थे। उन कानूनों में बहुत सारी ऐसी खामियां तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय के अनुसार जो अपराध उस समय घटित होते थे और आज के जो अपराध है उनमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं। उस समय जो अपराध होते थे वो छोटे अपराध ये हुआ करते थे, आज के जो अपराध है साइबर फ्रॉड हम कह सकते हैं, आतंकवादी अपराध हो चुके हैं, संगठित अपराध हो चुके हैं, जिनमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों को लेकर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा आज अपराध घटित हो रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए एक त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए, एक आसान न्याय उपलब्ध कराने के लिए हमारे जो न्याय व्यवस्था थी, जो हमारी आपराधिक कानून थे, उसमें बहुत बड़े व्यापक स्तर पर बदलाव किया गया है।